हाय, आई एम सौरव, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो अपने लिए बड़े साइज़ का अपार्टमेंट देख रहे हैं। बड़े साइज़ यानी कि एक 4 बेडरूम देख रहे हैं, या पेंट हाउस देख रहे हैं, या फिर गार्डन फ्लोर्स देख रहे हैं। गार्डन फ्लोर्स यानी ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट्स जिसमें प्राइवेट गार्डन होता है। बट वो पोजेशन के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना चाह रहे, 3 साल 4 साल पोजेशन के लिए नहीं वेट करना चाह रहे। और जो डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनमें उनको जो पसंद आ रहे हैं वो बजट में नहीं आ रहे, जो बजट में आ रहे हैं वो पसंद नहीं आ रहे। तो ये प्रोजेक्ट पर्टिकुलरली इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर दिस काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट। इस प्रोजेक्ट का नाम है ली ग्रैंडियोस, डेवलपर का नाम है ATS, लोकेशन है सेक्टर 150 नोएडा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ली ग्रैंडियोस की लोकेशन है सेक्टर 150 नोएडा। और मैं कई बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि सेक्टर 150, अगर आज किसी को नोएडा में एक प्रीमियम अपार्टमेंट लेना है तो सेक्टर 150 बेस्ट लोकेशन है। क्योंकि सेक्टर 150 ना कुछ लोगों को दूर भी लग रहा है, तो जिन लोगों को अभी दूर लग रहा है उनको कुछ साल बाद ये बजट से दूर लगने लग जाएगा। क्योंकि इस सेक्टर में ना एक वाइब है, जिन लोगों ने यहाँ विजिट किया है, जिन लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं, उनको पता है कि इस ओवरऑल सेक्टर के अंदर ना एक फील है, एक वाइब है। और इसकी जो लोकेशन है ना वो दूर पास दिल्ली से नहीं देखी जाएगी, ऑल दो यहाँ से 20 मिनट का ही रास्ता है, बट इसकी दूरी देखी जा रही है जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ से, ये नोएडा का पहला सेक्टर पड़ता है। ली ग्रैंडियोस प्रोजेक्ट के डेवलपर हैं ATS नॉर्थ इंडिया के एक बहुत प्रोमिनेंट डेवलपर हैं, पास्ट में बहुत से अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर करे हुए हैं। ली ग्रैंडियोस प्रोजेक्ट 2 फेजेज़ में डिवाइडेड है, फेज़ 1 एंड 2। अभी विल शो यू बोथ दी फेजेज, दोनों में क्या कंस्ट्रक्शन स्टेटस है, क्या साइजेज हैं, क्या प्राइसिंग है, क्या अवेलेबिलिटी है। क्योंकि ली ग्रैंडियोस जो फेज़ 1 है जिसके हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, इसका पोजीशन 2022 में ही है, यानी कि इसी साल है। तो काफ़ी लोगों ने जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पे अपार्टमेंट लिया हुआ है, उनके लिए करंट कंस्ट्रक्शन अपडेट भी मिल जाएगा उनको। ये प्रोजेक्ट वैसे 2021 में डिलीवर होना था, बट कोविड के कारण अभी 2022 में डिलीवर हो रहा है। तो कोई जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है उनको कोई प्रॉब्लम, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अभी दिस प्रोजेक्ट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ पोजीशन। सो बिफोर शोइंग यू द अपार्टमेंट आई टेल यू द बेसिक डिटेल्स फॉर द प्रोजेक्ट। सो ली ग्रैंडियोस टोटल लैंड एरिया इज ऑलमोस्ट 23 एकर्स, टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स इन द प्रोजेक्ट आर ऑलमोस्ट 1170। सो आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50 यूनिट्स पर एकड़ हैं, कितना लो डेंस प्रोजेक्ट है ये। अब ये प्रोजेक्ट 2 फेजेज़ में डिवाइडेड है, फेज़ 1 एंड 2। फेज़ 1 का पोजेशन 2022 में है, यानी कि इसी साल। और साइजेस की अगर हम बात करें फेज़ 1 के अंदर, तो 1625 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम, 2000 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम और 2300 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम और 4 बेडरूम ऑफ 3200 स्क्वायर फीट। और कुछ गार्डन फ्लोर्स भी हैं, गार्डन फ्लोर्स यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट्स हैं विद प्राइवेट गार्डन, जिसके अंदर साइजेस 2300 स्क्वायर फीट से लेकर 3200 स्क्वायर फीट तक का अपार्टमेंट और ऑलमोस्ट एवरेज 1500 स्क्वायर फीट का गार्डन, प्राइवेट गार्डन। आई शो यू दी फ्लैट, उसका एक रॉ वर्जन, थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो जाएगा कि गार्डन फ्लोर्स कैसे हैं। और कुछ पेंट हाउसेज भी हैं ऑब्वियसली ऑन द टॉप फ्लोर। G+24 की इस प्रोजेक्ट की टोटल हाइट है, जिसमें कि डुप्लेक्सेस हैं 4300 और 4500 स्क्वायर फीट के, प्लस 1000 स्क्वायर फीट के प्राइवेट टेरेस। और फेज़ 2 के अगर हम साइजेस की बात करें तो 2300 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम और 3200 स्क्वायर फीट का 4 बेडरूम, और उसमें भी गार्डन फ्लोर्स और पेंट हाउसेज हैं। बट फेज़ 2 का पोजेशन ऑलमोस्ट 4.5 साल के अंदर है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट सेक्टर 150 में है, सेक्टर 150 एक स्पोर्ट्स सिटी का पार्ट है, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑलमोस्ट 2.5 एकड़ के अंदर एक फुटबॉल ग्राउंड भी है, तो उसके अंदर एक प्रॉपर अकेडमी रन होगी, विच विल बी कॉमन फॉर ऑल दी पीपल लिविंग इन द सेक्टर। हाइट आपको बताई दिया है कि G+24 है। नाउ दिस प्रोजेक्ट इज़ ऑफ ATS ग्रुप, सो नीडलेस टू से के जितनी भी एमिनिटीज़, क्लब हाउसेज रहेंगे ली ग्रैंडियोस के अंदर वो बेस्ट इन क्लास रहेंगे। एंड वील शो यू ATS प्रिस्टीन एज वेल। ATS प्रिस्टीन सेक्टर 150 में ATS का एक डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, तो आपको यू गेट एन आइडिया कि कैसा मेंटेन्ड है, कैसा डिलीवर्ड उन्होंने लास्ट प्रोजेक्ट किया है इस सेक्टर के अंदर। बिफोर दैट वील शो यू द एक्चुअल अपार्टमेंट ऑफ 4 बेडरूम 3200 स्क्वायर फीट, एंड वील शो यू अ क्विक वॉक थ्रू ऑफ द पेंट हाउस। रॉ स्टेज में है वो पेंट हाउस, एज वेल एज द गार्डन फ्लोर, सो दैट यू विल हैव एन आइडिया कि गार्डन फ्लोर और पेंट हाउसेस किस तरीके से हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ गार्डन फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर अपार्टमेंट विद प्राइवेट गार्डन। एवरेज गार्डन का साइज़ है 1500 स्क्वायर फीट, किसी किसी फ्लैट के साथ बड़ा गार्डन भी है।
आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से वो अपार्टमेंट के बाहर वो प्राइवेट गार्डन रहेगा। ऑब्वियसली ये प्लांटेशन से कवर होगा। जैसे आपको बताया कि गार्डन जो अपार्टमेंट से अलग जो गार्डन है वो एवरेज 1500 स्क्वायर फीट है और वो हाफ चार्ज होता है, और टोटल प्रॉपर्टी की कॉस्ट इवन अपार्टमेंट्स की इवन पेंट हाउसेस की मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँ। दिस इज 3200 स्क्वायर फिट, 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट। क्योंकि यहाँ पे एक फ्लोर पे दो ही यूनिट्स हैं तो दोनों ही फ्लैट्स टू साइड ओपन है। आधी बालकनी से सेंट्रल ग्रीन जो है ली ग्रैंडियोस का उसका व्यू आएगा। ये इनका सामने एक संकन क्लब हाउस बन रहा है, वील शो यू दैट एज वेल। और आधी बालकनी से जो इसके पीछे प्रोजेक्ट है प्रिस्टीन गोल्फ विलाज, ATS का ही प्रोजेक्ट है जिसके अंदर विलाज हैं, 500 गज का विला, 350 गज का विला जिसका हमने ऑलरेडी वीडियो शूट किया हुआ है, तो उसका जो गोल्फ कोर्स है आधी बालकनी से उसका व्यू आता है। तो आप ये अपार्टमेंट का हम टूर बहुत डिटेल में नहीं देंगे, आप एक क्विक वॉक थ्रू देखिए हाउ द फ्लैट इज़ एंड हाउ द व्यू इज़। क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि व्यू इन हाई राइज अपार्टमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप सुबह उठते हैं तो आपको दिखेगा क्या। फोर BHK के अपार्टमेंट से आपको दो बेडरूम्स और लिविंग रूम से आपको ये व्यू मिलेगा जो ली ग्रैंडियोस का सेंट्रल ग्रीन एरिया है। इस व्यू की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वील शो यू दी पेंट हाउस एज वेल जो रॉ स्टेज में है, तो आपको बेटर आइडिया मिलेगा कि एग्जैक्टली कैसा व्यू आएगा। और किचन की यूटिलिटी और बाकी दो बेडरूम की बालकनी से आपको ये व्यू मिलता है जो प्रिस्टीन गोल्फ विलास का गोल्फ कोर्स है। तो दिस इज़ द पेंट हाउस, ड्यूप्लेक्स है ये, 4500 स्क्वायर फीट टोटल एरिया है इसका प्लस 1000 स्क्वायर फीट अप्रॉक्स की टेरेस है। 24th फ्लोर है ये, टॉप फ्लोर, और अभी ये रॉ स्टेज में है। ऑब्वियसली यहाँ पे अभी फ्लोरिंग भी होगी, किचन भी होगा, वॉशरूम भी होगा, पेंट भी होगा, जो अभी काम चल रहा है दूसरे पेंट हाउस में भी इनफैक्ट चल भी रहा है। और जिन्होंने यहाँ पे अपार्टमेंट्स ली ग्रैंडियोस में लिए भी हुए हैं या जो हमारी वीडियो देखने के बाद जो प्लान करेंगे, आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि ये प्रोजेक्ट के अंदर बहुत अभी हाई स्पीड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, डे नाइट कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ऐसा कोई टावर नहीं है जिसके अंदर काम ना चल रहा हो, कॉमन एरिया में, क्लब में, एवरीवेयर। सो अब इस पेंट हाउस से, टॉप फ्लोर से आपको दिखाने का पर्पज़, पेंट हाउस दिखाने का पर्पज़ नहीं है अभी फिलहाल, ऑल दो अवेलेबल हैं, बट आपको दिखाने का पर्पज़ है व्यू, सो दैट कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि जो इधर की बालकनीज़ हैं उनसे जो सोसाइटी का ग्रीन है उसका कैसा व्यू आता है, और जो इधर सारी बालकनीज़ हैं उनसे कैसा व्यू आता है। और हम इसके, ये डुप्लेक्स है क्योंकि यहाँ पे लिविंग रूम है, ये डबल हाइट लिविंग रूम, ये स्टेयर्स हैं ऊपर जाने की, ऊपर भी यूजेबल फ्लोर होता है जैसे एक डुप्लेक्स पेंट हाउस के अंदर होता है, तो आपको थोड़ा सा व्यू का अंडरस्टैंडिंग होगा इधर से और इस वाली साइड से भी। सो दिस इज ATS प्रिस्टीन गोल्फ विलास फेज 1, इसका पोजीशन भी इसी साल है, और ये प्रिस्टीन गोल्फ विलास का गोल्फ कोर्स है, और जो लेफ्ट साइड में है गोल्फ कोर्स के वो फेज 2 है प्रिस्टीन गोल्फ विलास का, जिसका पोजीशन 2 साल के अंदर है। और उसके आगे जो आपको अभी एक ट्रक दिख रहा है, एक क्रेन दिख रहा है, दैट इज़ किंगस्टन हीथ, वो भी ATS का ही प्रोजेक्ट है। सो ये इस पेंट हाउस की दूसरी साइड की बालकनीज हैं जो सेंट्रल ग्रीन एरिया को फेस करती हैं। तो आपको ऊपर से अब पता नहीं कितना धुंध हो रहा है, कितना आपको अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली में हो पाएगा, बट जहाँ तक ये टावर्स हैं ये फेज़ 1 है, नीचे का सारा सेंट्रल ग्रीन एरिया है, ये बीच में इनका क्लब हाउस है विच इज़ अ संकन क्लब,
आपको काफ़ी बड़ा इन्फिनिटी पूल भी दिख रहा है। जहाँ पे वो टावर ख़त्म होगा उसके बाद जो लैंड है कॉर्नर प्लॉट बेसिकली, वो ली ग्रैंडियोस का फेज टू। अब हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। ATS ली ग्रैंडियोस फेज़ वन एंड टू। फेज़ वन पोजेशन इन 2022, साइजेस 3 बेडरूम 1625 स्क्वायर फिट, 2000 स्क्वायर फिट एंड 2300 स्क्वायर फिट, 4 बेडरूम ऑफ 3200 स्क्वायर फिट और कुछ ग्राउंड फ्लोर विद प्राइवेट गार्डन, गार्डन फ्लोर्स एंड फ्यू पेंट हाउसेज। इसके अंदर जो अवेलेबिलिटी है वो 3200 स्क्वायर फिट का 4 बेडरूम और कुछ पेंट हाउसेज और कुछ गार्डन फ्लोर्स की है। प्राइस इज अप्रॉक्सीमेटली 8,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट। ली ग्रैंडियोस फेज टू साइजेज हैं 2300 स्क्वायर फिट और 3200 स्क्वायर फिट। उसके अंदर अवेलेबिलिटी अभी दोनों साइजेज के अंदर ही है और प्राइस उसका है अप्रॉक्सीमेटली 7,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट और ये कार्ड प्राइस है। इसके ऊपर ऑब्वियसली कुछ नेगोशिएशन, कुछ डिस्काउंट्स, कुछ ऑफर्स भी रहते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दैट वॉज इट फॉर टुडे। वील सी यू नेक्स्ट टाइम।